हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। अभी हाल ही में जो वीडियो मैंने पब्लिश किया था, जिसमें मैंने अमंगला प्रभु हमारे इस्कॉन के सीनियर ब्रह्मचारी है, वो जो पॉइंट्स रेज किए थे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के हैबिट्स को लेके, उसके ऊपर मैंने चर्चा किया था। और भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से, कृष्णा के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से मैंने ये प्रमाण करने की कोशिश की थी कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें काफी लोग मुझे कमेंट्स किए हैं कि मांसाहार करना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि प्लांट्स को भी पेन होती है, प्लांट्स के पास भी जीवन होता है। तो प्लांट्स को मारना जितना गुनाह है, जितना पाप है, एक पशु को मारना उतना ही पाप है। तो आइए हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं इस बात में कितना सच्चाई है। जो एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, जो लोग साइंटिस्ट है, प्लांट और एनिमल को एक साथ नहीं रखे, अलग अलग रखे हैं, इसके पीछे कारण है। जो एनिमल्स होते हैं वो लोग सेंटिएंट बींग्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका चेतना पूर्ण विकसित होता है। चेतना पूर्ण विकसित होने का मतलब है कि वो लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, और उनके अंदर दर्द सहने का कैपेसिटी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, पेन परसेप्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे होता है पेन को सहन करने के लिए और पेन को फील करने के लिए। वो क्या है? पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमें पेन का परसेप्शन होता है। अगर पेन होता है, वो रिसेप्टर उसको कैच करता है, कैच करके वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से सिग्नल वापस आता है और हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं अपना उस पेन के लिए। लेकिन यही सेम चीज एक पेड़ के पास नहीं है, इसलिए प्लांट किंगडम अलग है। वो लोग नॉन सेंटिएंट है, उनका चेतना पूर्ण विकसित नहीं है और बहुत ही पुअरली डेवलप कॉन्सियसनेस है, तो इसलिए उनके पास दर्द सहने का कैपेसिटी बहुत ही कम है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक प्लांट है जिसको हार्ट अटैक आ गया है, आप लोग तो हंसेंगे, क्या प्रभु जी मजाक कर रहे हैं, प्लांट के पास हार्ट कहां है, हार्ट अटैक आएगा। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक पेड़ है जिसको किडनी स्टोन हो गया है, आप फिर से हंसेंगे, बोलेंगे कैसे प्रभु जी, किडनी का स्टोन आ जाएगा उसको। लेकिन जब मैं बोलूंगा आप लोग नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, तब आप ये बोलेंगे क्यों प्रभु जी, पेड़ पौधा को भी तो पेन होता है। आप किडनी मानने के लिए राजी नहीं है प्लांट के पास है, हार्ट नहीं है प्लांट के पास, लेकिन जब पेन का बात आता है तो आप लोग ये मान लेते हैं कि प्लांट के पास ब्रेन है, पेन रिसेप्टर है, नर्वस सिस्टम है, ये सब मान लेते हैं। कैसे? दिखाइए प्लांट के पास कहां पे रिसेप्टर्स है, कहां पे नर्वस सिस्टम है, कहां पे प्लांट का ब्रेन है। अभी तो साइंस इतना डेवलप कर गया है, दिखाइए, प्रमाण तो दीजिए। जो बोलेंगे नहीं, साइंटिस्ट लोग तो प्रमाण कर चुके हैं, तो दिखाइए ना, जर्नल लाइए, पीयर रिव्यू किया हुआ जर्नल। ऐसा नहीं कि अब यूट्यूब वीडियो अल्लाह के छाप दिए या कोई क्लिकबेट मैगजीन हो या न्यूज़पेपर कटिंग्स दे दिला के, नहीं, जर्नल में, जो इंटरनेशनल जर्नल है, जो रेप्यूटेड जर्नल्स में पीयर रिव्यू स्टडी कुछ हुआ है ऐसा, इसमें बोला गया नहीं, हम लोग साइंटिफिकली प्रमाण किए हैं प्लांट्स को पेन होता है, ये उसका पेन रिसेप्टर है, ये पेन पाथवे है, ये ब्रेन है। दिखाइए, अगर दिखा देंगे तो आज से मैं नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दूंगा। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि जगदीश चंद्र बोस ने यह प्रमाण किया कि प्लांट्स के पास भी लाइफ होती है, उनको भी पेन होता है। जी नहीं, जगदीश चंद्र बोस ये प्रमाण नहीं किए कि प्लांट्स को पेन होता है। वो क्रेस्कोग्राफ यूज करके प्लांट्स के ग्रोथ को मेजर कर रहे थे, मूवमेंट को मेजर कर रहे थे। कुछ प्लांट रिएक्शन देते हैं सराउंडिंग एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके, जैसे मान लो कि टेम्परेचर हो गया, कोल्ड, हीट, सनलाइट को लेके वो लोग रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या, जैसे सनफ्लावर है, जिस तरफ सूरज का लाइट आता है वो उस तरफ चला जाता है। वो स्टिमुलस देके देखे कि प्लांट का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन वो पेन नहीं है। तो जगदीश चंद्र बोस ये प्रमाण नहीं किए कि प्लांट को पेन होता है। रिएक्शन देते हैं कुछ प्लांट, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? अगर मेरे आंखों में अभी सूरज का किरण गिरेगा तो मेरे आंखों के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, लेकिन मैं रेस्पॉन्स भी देता हूं। कैसे? ऐसे करके ये होता है। तो कुछ जो
पेड़ पौधे हैं वो लोग रिएक्ट करते हैं टू केमिकल्स, टू स्टिमुलस, टू चेंज इन द टेम्परेचर, एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके, लेकिन वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सेंटिएंट बींग्स है, जो पशु है, जो एनिमल्स है, वो लोग रिएक्ट भी करते हैं, रेस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर मेरे तरफ कुछ डेंजर्स आ रहा है, मैं रिएक्ट करूंगा, रेस्पॉन्स भी होता है। रेस्पॉन्स क्या होता है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। इधर में जो डेंजर आ रहा है उसको मैं फेस करूंगा या वहां से मैं भाग के चला जाऊंगा, जो प्लांट के पास नहीं है। तो इनका पर्पस क्या है? जैसे मैंने समझाया आपको, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देने के लिए। इधर उस पेन को हमें फेस करना होगा और उस पेन से बचना होगा, इसलिए वो पेन परसेप्शन हमारे अंदर इतने डेवलप्ड है। इसलिए नेचर हमें लोकोमोशन दिया है, मूवमेंट करने की आजादी दी है, लेकिन प्लांट के पास वो आजादी नहीं है। उनका रूट फिक्स्ड होता है, वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। एक जानवर जो है वो धूप में ज्यादा नहीं रह सकता, वो खोजेगा कहां पे शेड है। बारिश होगा तो खोजेगा कहां पे शेड है, ठंड होगा तो खोजेगा कैसे मुझे ठंड से बचना है। लेकिन एक पेड़ जो होता है वो बारिश में, वो धूप में, वो ठंड में एक जगह सालों साल खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर नेचर उसको पेन परसेप्शन देता तो साथ में लोकोमोशन भी देता, मूवमेंट्स भी देता, ताकि वो अपने को बचा सके, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स दे सके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि प्लांट्स को भी पेन होता है, प्लांट का चेतना भी एनिमल का चेतना जैसा ही है, ये सरासर गलत है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर मैं आप लोगों का बात को मान भी लेता हूं थ्योरेटिकली, लेट्स से कि प्लांट्स को पेन होता है, आइए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट। आप लोग, बहुत लोग आपके घर में पेट्स रखते होंगे, कोई डॉग रखा होगा, कोई कैट रखा होगा घर पे। तो अगर मैं काम करूंगा, आपका जो बिल्ली है जिसको आप लोग रखे हैं घर पे एज ए पेट, उसको मैं लेके आऊंगा और एक ग्राइंडर में उसको डाल दूंगा, ऊपर ढक्कन लगा दूंगा और फुल स्पीड में उसको मैं ग्राइंड करूंगा, आप लोग मुझे अलाउ करेंगे क्या? आप लोग कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, ऊपर से मुझे आप धक्का मार के निकाल देंगे, फोर्सफुली रेजिस्ट करेंगे। अगर वही चीज मैंने 5 टमाटर लाया पका हुआ, उसको मैंने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड किया, तो आप लोग रेजिस्ट करेंगे? क्यों? आप तो बोल रहे हैं कि प्लांट्स को भी पेन होता है जितना एनिमल्स को पेन होता है, तो इस दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, किसको ज्यादा पेन होता है, किसको कम पेन होता है, किसका चेतना विकसित है, किसका चेतना विकसित नहीं है। अगर आपके घर में आग लगा है और मैं फायर पर्सन हूं, मैं कंप्लीटली कवर्ड हूं, आग के अंदर जा सकता हूं, आप लोग सब बाहर आ चुके हैं, तभी आपको याद आया कि आपका पेट जो है वो अंदर रह गया, बिल्ली अंदर रह गया, उसको बचाना है, तो आप बोलेंगे प्लीज आप जाके बचाइए उसको, और मैं अंदर गया बचाने के लिए उसको। अंदर जाके मैं दिमाग में स्ट्राइक किया, आप बोल रहे थे कि प्लांट्स को भी सेम पेन होता है, एनिमल्स को भी सेम पेन होता है। मैंने देखा घर में एक बिल्ली है लेकिन 10 फ्लावर प्लांट्स आप रखे हुए हैं, और फ्रिज में बहुत सारे सब्जी है, बैगन है, टमाटर है, गाजर है। तो मैंने क्या किया, वो जो बिल्ली था आपका उसको मैंने छोड़ दिया। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक जान बचाऊंगा कि हजारों जान बचाऊंगा। यहाँ पे देखिए 5 पेड़ पौधा आपका है, ब्रिंजल्स के अंदर इतना सारा सीड से सब में जान है, टमाटर के अंदर जान है इतना सारा सीड से, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो हजारों जान बचाने का मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं वो सारे चीजें लेके फ्रिज खोल के आपका सारा सब्जी वब्जी लेके बाहर आ गया, आपका सारा पेड़ पौधा लेके बाहर आ गया, आपका बिल्ली को अंदर छोड़ दिया जलने के लिए। अब अलाउ करेंगे क्या? अब हंसेंगे ना, अभी हंसेंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि हमें चिकन नहीं खाना है, हमें मटन नहीं खाना, हमें फिश नहीं खाना है, क्योंकि उनको पेन ज्यादा होता है, हमें काउ नहीं खाना है, बफालो को नहीं मारना है, तो तब आप बोलेंगे नहीं प्लांट को भी तो पेन होता है। लेकिन सबकॉन्शियसली आप ये सोचिए, आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं, दो रास्ता है, एक रास्ते में 10 बिल्ली है और एक रास्ते में 10 टमाटर है, आपको एक रास्ते में जाना ही है,
और जब जाएंगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको क्रश करके ही जाना है, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे, बिल्ली वाला या टमाटर वाला? तो ये कहना बंद कर दीजिए कि पेड़ को भी पेन होता है। अगर हमें चूज करना होता है एनिमल प्लांट्स में, तो हम लोग एनिमल्स को बचाते हैं, है ना? ये तो कॉमन सेंस है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अंदर जाता है, मर जाता है, है ना? जब हम लोग तबीयत खराब होते हैं एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कितने बैक्टीरिया वायरस मरते हैं अंदर। वैसे भी तो इतने जानवर को, इतने एनिमल्स को मार रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है। क्यों? यहाँ पे बात आता है नियत का। क्या हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए वो चीज कर रहे हैं? क्या हम लोग इंटेंशनली किसको मार रहे हैं, या अनइंटेंशनल है, आउट ऑफ कंपल्शन है? मेरा तबीयत खराब है, मुझे एंटीबायोटिक खाना पड़ रहा है, आउट ऑफ कंपल्शन खा रहे हैं। वहां पे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खा रहे हम लोग। जब चल के जाते हैं, हमारे पैर के नीचे आके कुछ एनिमल्स मर जाते होंगे बैक्टीरिया वायरस, लेकिन वो तो हम देख नहीं सकते ना, इट इज अनइंटेंशनल। तो उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने जीवा के सुख के लिए जो हम लोग मारते हैं पशु, उसके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग स्वार्थी है, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, इंटेंशनल है। भगवान जो है वो भावग्रह जनार्दन है, वो हमारे इंटेंशन देखते हैं। तो ऐसा आर्गुमेंट कोई बेसिस ही नहीं है। सबसे बड़ा हिपोक्रेसी क्या है पता है आप लोगों को? जब मैं आपको बोलूंगा ये इंसान सड़क पर कुत्ता को मार रहा है लाठी पकड़ के, बिल्ली को मार रहा है लाठी पकड़ के, ये लोग देखिए सर्कस में जो पशु है, हाथी है, घोड़ा है, उनको कितना टॉर्चर कर रहे हैं सर्कस में, अगर मैं बोलूंगा कि इतना क्रुएलिटी है, कितना निष्ठुर है ये लोग, ये सब चीज कर रहे हैं, इनके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई इमोशन नहीं है। कुत्ता को, बेचारा जानवर रास्ते में बैठे, उसको मार रहे हैं, उस बिल्ली को मार रहे हैं, सर्कस में खटा रहे, इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, उनको जंगल में रहना है, स्वाधीन रहना है। तो आप लोग मेरे साथ एग्री कर जाएंगे, हाँ आप सही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत क्रूएल है, बहुत निष्ठुर है। मैं देखा प्रैक्टिकली, मैं लाइफ में देखा हूं जो लोग कुत्ते रखते हैं घर पे, बोले ऐसा ही बात करते हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज मैं बोलूंगा चिकन्स के बारे में, गोट्स के बारे में, लैम्स के बारे में, काउस के बारे में, बफलो के बारे में, फिश के बारे में, वहां पे आ जाता है मदर ऑफ ऑल जस्टिफिकेशन, प्लांट्स को भी पेन होता है। इनमें कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। क्यों? हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो जानवर है ये खाने के लिए बनाया गया है, इनका कोई राइट्स नहीं है। एक डॉग का एनिमल राइट है, एक कैट का एनिमल राइट है, एक हाथी का एनिमल राइट है, लेकिन एक फिश का नहीं है, एक गोट का नहीं है, एक चिकन का नहीं है, एक बफालो का नहीं है, काउ का एनिमल राइट्स नहीं है। ये हम लोग मानते हैं दिन से। ये सबसे बड़ा हिपोक्रेसी, दोगलापन जिसको बोलते हैं। जब इस एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, प्लांट्स को भी तो प्रेम होता है ना, द मदर ऑफ ऑल जस्टिफिकेशंस। ऐसा नहीं कि हम लोग प्लांट्स को बहुत प्रेम करते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं प्लांट्स को भी पेन होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रेम केवल हमारे इंद्रियों का करते हैं, हमारे जीवा का करते हैं, हमारा जीवा के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स हम लोग उनको प्रेम करते हैं, हम लोग अपने जो गंदे आदतें हैं उनको प्रेम करते हैं। We care about our taste buds, our habits, our greed above the animal's life, above the animal's right. This is truth. You have to accept it. ये केवल दोगलापन नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है, ये डिसऑनेस्टी है, ये इनसेंसिटिविटी है, 100% इनसेन एक्टिविटी है और अनसाइंटिफिक भी है। हम लोग सिलेक्टिव बन जाते हैं अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, और इसी चीज के लिए हम लोग हर साल 60 बिलियन पशु का हत्या करते हैं और कितने सारे ट्रिलियंस एक्वाटिक्स का हत्या करते हैं केवल हमारे इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए। जब मैं पूछता हूं क्यों करते हैं ऐसा, मदर ऑफ ऑल जस्टिफिकेशन, इवन प्लांट्स फील पेन।
कितने बड़े हिपोक्रिट से हम लोग, सोचिए चीज। क्या जब मैं कुत्ता को मार रहा था, जो सर्कस में एनिमल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब क्या प्लांट्स को पेन नहीं हो रहा था? तो आप लोग तो रजिस्टर नहीं किए, तब तो आप लोग बहुत फाइट किए, एनिमल राइट एनिमल राइट एनिमल राइट। लेकिन चिकन का एनिमल राइट का क्या है? गोट्स का एनिमल राइट का क्या है? काउ का एनिमल राइट का क्या है? बफालो का क्या है? लैम का क्या है? यू आर बीइंग वेरी वेरी डिसऑनेस्ट, इनसेंसिटिव, अनसाइंटिफिक, क्रेजी, 100% इनसेन पीपल। कोई भी अगर सेंसिटिव बंदा होगा ना, वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि कैसे मैं किसी को भी संसार में पेन ना दूं। अगर देना पड़े भी ना, पेन कितना से कितना कम हो सके, वो मेरा कोशिश हमेशा होना चाहिए कोई भी सेंसिटिव इंसान का। सोचिए इसके बारे में कि नेचर प्रोवाइड किया है, प्लांट के पास एक अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, पेन परसेप्शन बहुत कम है। अगर हमें चूज करना पड़ेगा मुझे प्लांट्स खाना है कि एनिमल्स खाना है, इट इज ऑब्वियस, इट्स कॉमन सेंस, मुझे प्लांट्स खाना होगा। वहां पे कम वायलेंस है, वहां पे कम पेन है, वहां पे कम ब्लड शेडिंग है, वहां पे कम इमोशंस है। एक एनिमल का फैमिली होता है, आप तो घर पे देखे होंगे, आपके जो चिकन है, जो हेन है, बच्चों के साथ घूमती है, वो खाना खाती है। आपके जो डक है, वो बच्चे के साथ घूमते हैं, खाना खाते हैं उसके साथ। काउस, बफालो, काप्स, बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग होता है उनमें, प्लांट्स में ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगे, सोचिए इस बारे में, कितना दुख पहुंचा रहे हम लोग, कितना पेन पहुंचा रहे हम लोग उन लोगों को। और जो प्लांट्स हम लोग खाते हैं, जब हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग अगर नहीं होगा तो प्लांट वैसे ही मर जाए कुछ दिन बाद। तो जब प्लांट्स मैच्योर हो जाता है तभी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जब फल पक जाता है तब हम लोग तोड़ते हैं, अदरक वो नीचे गिर जाता है। लेकिन एक जानवर को कब मारते हैं हम लोग? जब वो ग्रोन अप हो, यंग हो, उसको लाइफ अभी और बहुत साल जीना है, हम उसको मार के उसका लाइफ कट शॉर्ट कर देते हैं। क्यों? जो ग्रोन अप है, जो यंग है, वो स्वाद के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग उनको उनके जीवन के आधे में मार डालते हैं। कितना गलत करते हैं हम लोग। और आप लोग आर्ग्यू करते नहीं एनिमल किलिंग सही है क्योंकि प्लांट्स को पेन होता है। अगर आप एक पेरेंट है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करता है, और पिकनिक के लिए दो ऑप्शन दिया गया है उन लोगों को, या अपने पिताजी से पूछ के आइए कि हम लोग जाएंगे गांव में जहां पे हार्वेस्टिंग हो रहा है, उसको देखने जाएंगे, वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और हम लोग जाएंगे एक स्लॉटर हाउस में, वहां पे देखेंगे कैसे स्लॉटरिंग हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है जानवर को, वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। एज ए पेरेंट आप क्या चीज के लिए अपने बच्चे को अलाउ करेंगे? आप क्या स्लॉटर हाउस भेजेंगे अपने बच्चे को देखने के लिए? ब्लड शेड, स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे हैं सबको एनिमल्स, एक ग्लूमी एनवायरमेंट है वहां पे, सैड पैथेटिक डिप्रेस्ड एनवायरमेंट है, गंध आ रहा है, वहां पे आप जाने के लिए अलाउ करेंगे कि गांव में जहां पे हार्वेस्टिंग हो रहा है, खुशी का माहौल है, नेचर भी खुश है, लोग भी खुश है, और वहां पे आप अपने बच्चों को अलाउ करेंगे? सबकॉन्शियसली आप लोग ये चाहते हैं कि बच्चा वहां पे ना जाए, क्योंकि वो बहुत क्रूएल है, बहुत निष्ठुर है, बहुत टॉर्चर होता है, बहुत एक्सप्लोटेशन होता है। लेकिन मैं जो बोलूंगा आपको, एनिमल्स मत मारिए, मदर ऑफ ऑल जस्टिफिकेशन, प्लांट्स को भी पेन होता है। इसी हिपोक्रेसी के साथ हम लोग जीते हैं। अगर आज आप बोलेंगे कि कोई इंसान जो सेंट है, जिसको हम लोग स्वामी कहते हैं, परमहंस कहते हैं, उसके अंदर अगर जानवर के प्रति, एनिमल के प्रति करुणा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, कंपैशनेट नेचर नहीं है, तो सॉरी, मैं वैसे इंसान को स्वामी या परमहंस नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि उनका अपने इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपने इंद्रियों के सुख के लिए एक जीता जागता जानवर, जिसको दर्द का महसूस होता है, जिसके पास एक फैमिली भी हो सकता है, जो ग्रोन अप है, यंग है, जिसको अभी लाइफ बहुत जीना है, जिसको मारेंगे तो उसको सफोकेशन होता है, आपका गला कोई दबाएगा तो घुटन सा होगा ना, उसको सफोकेशन होता है, वो तड़प तड़प के मरता है,
और आप बोलेंगे नहीं वो सही है, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो फूलते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम व्योमय भक्ति प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नानी प्रयतमना। कृष्णा बोले शाकाहारी भोजन करो, मांसाहार मत करो। बाद में बोलते हैं मांसाहार वो लोग करते हैं जो लोग तमोगुण में होते हैं, जो लोग के पास ज्ञान नहीं होता, जो लोग अज्ञान के बस में रहते हैं, जो लोग अंधकार में रहते हैं, जो लोग तमोगुण में रहते हैं वो मांसाहार करते हैं। तो यहीं से आप लोग डिसाइड कीजिए कौन स्वामी है कौन स्वामी नहीं है, कौन सेंट है कौन सेंट नहीं है। अगले वीडियो में मैं और कुछ कमेंट्स को क्लैरिफाई करूंगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ रहिए। हरे कृष्ण।